वेलकम बैक टू अवर चैनल। और एक महीने से हमने वीडियो नहीं डाला है, उसकी वजह थी हम दिलावर देंगे। और अभी अपन जा रहे हैं कॉमिक कॉन दिल्ली। तो जिनको कॉमिक कॉन के बारे में नहीं पता, तो कॉमिक से रिलेटेड एक फेस्ट होता है, मतलब डीसी मार्वल और जो इंडियन कॉमिक्स होती है उनका इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं दिखाते हैं। पहनना तो पड़ेगा। राखी बांध दे भाई। भाई ये यहीं पे क्या कर दिया? एक दिन वाले की क्या कर दिया? बांट दिया लोगों को यहीं पे बांट दिया भाई। सुपर फैन एंट्रेंस और सिंगल डे एंट्रेंस। है भाई सामान पूरा। तो भाई लोग कैसा लगा अभी तक? ग्लोबल वार्मिंग हो तो रही है, नहीं है। गर्मी लग रही है, दिसंबर का महीना चल रहा है, गर्मी लग रही है। हाँ। अर्जुन बहुत मजा आया, पैसे होते तो कॉस्प्ले करते हैं। कॉस्प्ले करके आते हैं, पैसा है नहीं, गरीब है यार। लेकिन लोग बन के आए काफी कुछ। हाँ? बहुत सारे कैरेक्टर्स बन के आए, मैं दिखाऊंगा कोई दिखेगा। हाँ, मैं भी ऐसे कुछ देख रहा हूँ, करना चाहिए था भाई। हम खाली खाली आ गए। वो भाई के पास कैप्टन अमेरिका की वो है शील्ड। मैं तो उतारने की सोच रहा हूँ, मैं नीचे टी शर्ट। लोग पहन के आए बहुत कुछ। कहाँ चल गरीब बन के आना था। हाँ यार ये भी बढ़िया। 3500 मर्जी है ब्रो। 3500 नॉट माई मनी, नॉट माई मनी। और भी देख लीजिए क्या पता कुछ और अच्छा लगे। पहले पूरा घूम लेते हैं। आजा 3500 चल। हेलो अमर चित्र कैसा? सिंगल पैकेज लेने का? वही पड़ेगा जो ऑनलाइन पड़ता है मेरे हिसाब से। अच्छा एक सेकंड, मैं करके आता हूँ भैया। कोड तो दे दो एक बार, कोड हाँ ये ही सही है। एक तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ले रहे कितने की है? I mean that, लोहे की है। कितने की? कुछ 2500 2500 सही लग रही है। सेक्सी पीछे देख के। Thank you.
Bro, guys, get you. बहुत सही. वो भाई हम तो ये रुक गए. देखते हैं क्या है. क्या क्या है भाई. देख वहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी दिख रही है. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स गेम्स वगैरह भी है शायद. तो बॉयज अरे याद है हमने वो स्मैश मूवी देखा था क्या. अरे समझ गया समझ गया. अरे कुंग फू पांडा. पांडा वही क्या. वो ऐसा ही लग रहा है. जाओ इसी जाओ. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. घूस देना पड़ रहा है यहाँ पे. कैसे इन दिनों को तो स्टैम्प मिलेगा वरना स्टैम्प नहीं मिलेगा. हमें ये कलेक्ट ऑल स्टैम्प करने कुछ गुडीज मिलेंगे. वो स्टैम्प लग गया. गंजा हो जाए क्रेटोस लगेगा. और लगेगा नहीं करके देखते. माकुला ये मुझे पैडिंग नहीं पसंद आ रही है. अरे मैं हूँ भाई. यार अब भी मुझे यार स्पीड लिमिट तो नहीं बोली थी भाई. स्पीड लिमिट तो नहीं बोली थी. लौंडे बहुत सही. इस रोड पे मुड़ा है देख. पूरी मुड़ी हुई है. ओले! ओ! बहुत ही सही. एक मिनट और ब्रो. लाल वाली से बच जा बस भाई. जीत गए. अब ठोक दे भाई. अब ठोक दे. अब उड़ा रहा हूँ. कुछ तो दे रहे हैं भैया. घर में घुसा दे. अरे लॉजिटेक का मिला भाई. लॉजिटेक का मगे ब्रो. भैया लगा बहुत मजा आया. भैया ने तलवार दिलाई. क्या नाम है इस तलवार का. शुसुई. शुसुई जोरो की है. जोरो की तरह सुसु तलवार. शुसुई. और ध्रुव मजा आया. बहुत मजा आया. क्या क्या जीते. क्या क्या लिए. हमने एक तो मग जीता है. हाँ. और एक एल्डर वॉन्ड दिखाते हैं. बिल्कुल दिखाते हैं. आई एम द यंगर वर्जन ऑफ डंबलडोर नाउ. डंबलडोर. वो डंबल और डोर. मेरे घर पर डंबल और डोर दोनों हैं. दिस इज द वन. निकाल के जादू मार दो. क्या था. कौन था मारेगा. ये सिंबल कौन था. इनी मिनी. और यहाँ पे अजीब तरह के लोग बात करते हैं. लेकिन हमारा के डबरे चुप.
अभी पैक करा के लाए थे, खा रहे हैं। खाओ भाई, तुम लोग खाओ, खा क्यों नहीं रहे हो? हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं। गाड़ी में नहीं आएगा तू? फिर पता चले तेरे चक्कर में मम्मी चलनी पड़ जाए। अरे भाई साहब, हाँ तो भाई, ये मेरा कॉमिक कॉन का पहला एक्सपीरियंस था और मुझे तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था कॉमिक कॉन। कॉमिक कॉन बेसिकली ईयरली इवेंट है जो कि दिल्ली, मुंबई, काफ़ी सारे इंडिया के शहरों में होता है। जिन लोगों को कॉमिक्स पसंद है, एनिमेस पसंद है, मांगा पसंद है, मानवा पसंद है, ऑल्सो DC मार्वल के फैन, ऑल्सो बहुत सारी इंडियन कॉमिक्स हैं, राज कॉमिक्स है, अमर चित्रकथा है, अगर इन सबको आपने कभी पढ़ा है, अगर आपको इन सारी चीज़ों से कभी फैसिनेशन रही है, तो आपको कॉमिक कॉन ज़रूर जाना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉस्प्ले करके आए थे, जितना जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया में लोग करके आते होंगे, बट बहुत सही था। बहुत सारे लोग एनिमेस के कैरेक्टर बन के आए थे, बहुत सही था यार, बहुत सही था, मुझे बहुत मज़ा आया। ऑल्सो इन्होंने हमें कुछ गुडीज वगैरह दी हैं, तो मैं गुडीज दिखाता हूँ। क्या कहती? तो गुडीज आई थी इन इस बैग में, इसमें लिखा हुआ है कॉमिक कॉन 10 ईयर एनिवर्सरी, तो काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं इसमें। मुझे एक्सपेक्टेशन बैग की काफ़ी अच्छी थी, मुझे लगा था बैकपैक टाइप्स होगा कुछ अच्छा था, बट दिस वर्क्स फाइन। मैं सारा सामान इसी में कैरी कर रहा था आज, तो अच्छा था। एक इनकी कॉमिक थी दिस थिंग, ये मैंने एक मांगा के वहाँ पे मिल रही थी तो मैंने उठा ली थी, ये बुक मार्क है, मैंने लिया डेथ नोट का एक। ऑल्सो 30 डे क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन। बाकी जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई जो फ्री में मिली मुझे वहाँ पे, उनमें से एक था ये DC का पोस्टर था, वहाँ पे DC का स्टॉल था एक, बढ़िया सा पोस्टर मिलता है, इसमें सारे बड़े कैरेक्टर्स हैं DC के, पॉपुलर कैरेक्टर्स, तो आई लव्ड इट। ये मैं उस को वार्डरोब पे लगाऊंगा नीचे। दूसरा शज़ाम का पोस्टर मिला है मुझे, ये भी बहुत प्यारा है, इसको भी कहीं लगाएंगे, देखेंगे, बहुत सही है। और जो सबसे अच्छा पोस्टर था जो कि उन गुडीज के साथ मिला है, वो है ये नारुतो का पोस्टर, दिस इज वेरी गुड। क्रंची रोल का है ऑफिशियल। आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था, वहाँ पे काफ़ी सारे मर्च थे, हुडीज, टी शर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, और फिगरीन्स थे बहुत सारे। एक फिगरीन बैटमैन का जो मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी बड़ा सा था यार, बैटमोबाइल के साथ था, बैटमैन का जो क्लोक था वो उड़ रहा था, बहुत सही था, बट बहुत महंगा था वो, 3 लाख के अराउंड का था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस स्टॉल्स थे, जो मुझे सबसे अच्छा लगा राज कॉमिक्स के स्टॉल्स थे वहाँ पे, डोगा, नागराज, प्लस वहाँ पे संजय गुप्ता जी भी थे जिनसे हम मिले। ऑल्सो जो दूसरा सबसे बड़ा सबसे अच्छा स्टॉल जो मुझे लगा, जो मुझे देख के मुझे बहुत खुशी हुई, वो था अमर चित्रकथा का। मेरी नानी के पास बहुत बड़ी बड़ी बुक्स थी, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 बुक्स थी अमर चित्रकथा की, तो मैं उनको पढ़ता था, हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरीज वगैरह होती थी उसमें, तो भाई वो पढ़ते पढ़ते ही हमने कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी हैं, फिर DC पढ़ी, मार्वल पढ़ी, राज कॉमिक्स भी पढ़ते थे, राज कॉमिक्स सस्ती आती थी ना फिर धीमे धीमे बड़े होने के बाद फिर एनिमे फैंस, तो आई लव एनिमे। तो मेरी मानो तो अगले साल जब कॉमिक कॉन होता है तो बिल्कुल जाना, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।